नहीं चलता, कोई नहीं रुकता, पीछे का भी जोड़ दूंगा। हां तो सही हो गया, ये इधर दिखाओ थोड़ा। अब दूसरी ओर में यही वो है भाई, एक बात तो कब क्या करना, देखिए ना टाइम जीतते रहना ना थोड़ा सा, उसमें बॉडी नहीं आ रहा था मैंने, कैसा हो गया क्योंकि देखो सीधा नहीं हो रहा थे सेटिंग ऐसी हो गई। आज उनसे पहले लगवाया था, 5 मिनट और लेट हो गया, फिर वही वाला है, मेरे को पहले छुट्टी जाए। ठीक है भाई, देखो भाई क्या था, ये डेड इक्वलिटी एक्स प्लस वाई था, मोड डेड की वैल्यू ये थी, उसमें मोड डेड की वैल्यू निकाल ली भाई है, ठीक है, इसकी पावर 2x आ गई है, फिर इसके पावर की पावर मल्टीप्लीकेशन कर दी, फिर जो इसके नीचे डिवाइड कर दिया, एक्स इक्वलिटी क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ तक में आ गई भाई, एक होता है इलियर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये आई टी वाला क्वेश्चन आसान है, क्या आसान नहीं है, बस थोड़ी अपेल्फी की जरूरत है उसमें, क्वेश्चन वही है जो कुछ मैं जो मैं शुरू में करवाता हूँ, जो शुरू शुरू में जो पान लेता हूँ वो होते हैं बिल्कुल आपके यूपी बोर्ड के सवाल जो शुरू से लेके देखते हैं, उसके बाद जाते हैं हल्के हल्के फिर इसी में, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है, फिर हो जाए पोस्ट पोस्ट इलियर फॉर्म इलियम फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, देखो भाई क्या होती है, ये होती है ई की पावर आयो थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयो साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, ये होता है इलियर फॉर्म, e की पावर आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ये e सुना तुमने कहीं नाम भाई, ये e क्या हो, ये e हाँ लोह में वह है, और मैंने होता क्या है, ये होता है एक्सपोनेंशियल कोस्टेंट, क्या होता है ये एक्सपोनेंशियल, हाँ एक्सपोनेंशियल कोस्टेंट, चर घातांक की गुणांक, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल कोस्टेंट होता है ऐसे याद लो, और इसकी ई की वैल्यू क्या होती है भाई, -2.718, क्या होती है -2.718, e की वैल्यू क्या होती है -0.2718, इसको कहते हैं इलियर नंबर भी कहते हैं या नेपियर कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, इलियर नंबर या क्या कहते हैं, और या नेपियर कॉन्स्टेंट है इसका नाम, क्या क्या नाम हो गए इसके, एक और ई की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, लिखो बता रहा हूँ क्या क्या लिखो, पहले लिख के ले आओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू यू टेंस टू टेंस क्या क्या टेंस टू तरफ, ये जो ई किस तरफ जा रहा है जो तय कहते नहीं, अब टेंस टू जा रहा हूँ जी, लिमिट में होता है n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n बता रहा, और ये क्या होता है, ये कैसा नंबर है, ई इरेशनल नंबर, ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल,
देखो भाई कई सवाल हो गए, देखो इसमें ही क्या सवाल हो गए, सुनो देखो भाई सुनो, यानी कि जो ई है, ई का नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट भी कहें थे, ईलियर नंबर भी कहें और नेपियर कॉन्स्टेंट है, इसके तीन तो नाम हो गए। यहाँ तो बात में मांगे भाई पूछता है कि ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल, ये बात होगी। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस 2.718, क्या वैल्यू होती है इसकी, ये भी बात खत्म हो गई। अच्छा और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर i थीटा इज इक्वल टू ईलियर फॉर्म क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। जैसे जैसे कार्टेशियन में चीज z इक्वल टू x प्लस i y, ये पोलर में r और थीटा में हैं, बताया था ना कैसे जाते हैं, तो e की पावर i थीटा क्या है, वो भी है cos थीटा प्लस i और sin थीटा। अच्छा ये e क्या होता है, e का फॉर्मूला होता है, जो e है e इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट में अगर पढ़ा होगा तुमने सबने, क्या था, 1 + 1/n की पावर n। ये e की पावर कब होती है, ये कब होती है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और इसकी वैल्यू 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी होगी, इसकी वैल्यू e होगी, ये की हो क्या काम है, जट लेना क्या हो भैया, क्या क्या की वैल्यू 1 + क्या जाए 0 की पावर, देखो n की वैल्यू इन्फिनिटी लिखी, 1 + 1/∞, 1/∞ की वैल्यू कितनी हो 0, और ये इन्फिनिटी आई, देखो जो यही नहीं है, जितने नहीं लिमिट पड़ी होगी थोड़ी दिक्कत सी आ रही हो, क्या क्या बोला क्या चीज़ आई है, ये अभी बहुत बड़ा चैप्टर है लिमिट का, हैं लिमिट ही अपना एक चैप्टर है, जैसे ये है हाँ, ये अगर नहीं पढ़ी आ जाएगा तो मतलब ये फिलहाल ये रट लो, ये कोई नई चीज़ मतलब नया चैप्टर है, लिमिट डिफेंसिबिलिटी कंटिन्यूटी इस तरह के चैप्टर आते हैं, फिलहाल ये रट लो ठीक है। आपके पास में होगी रिकॉर्ड भाई, आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं, क्या थे एक सवाल है इसके ऊपर, एक सवाल कहते हैं छोटा लगाते हैं, यहाँ तो बात समझ में आ गई नहीं क्या हुआ, फोन क्या काम करता थी हुई है? ई की पावर, ई की पावर 2m थीटा, ई की पावर 2mi थीटा, ई की पावर 2m थीटा, आई कॉट थीटा प्लस 1/ आई कॉट थीटा माइनस 1 की पावर m। देखो भाई अभी थोड़ा थोड़ा सवाल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कर ले फिर। देखो ई की पावर 2m iota थीटा लिख लिया, आई कॉट थीटा प्लस 1/ आई कॉट थीटा माइनस 1 की पावर m। यहाँ तक क्योंकि सवाल तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगा, या कहेगा शो दैट दिस वैल्यू इज 1, शो दैट दिस वैल्यू, यानी या कहेगा फाइंड दिस वैल्यू, एक ही बात है, क्या आंसर बताओ ना बताओ, जब निकालना तो एकदम आ जाएगा भाई। मैं क्या करता हूँ, इसे जूगर में रखा, दिक्कत नहीं भाई कुछ, इन दोनों से मैंने आई कॉमन ले लिया भाई, ले लूँ ले नहीं सकता, जैसे मान लिया एक्स प्लस 1 में थे, अगर एक्स कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा बोलना, 1 + शाबाश आगे भाई, समझ में ये नहीं समझ में, बोलो बताओ ना, ये नहीं सिनेमा, जब कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, और कॉमन का जब जो दोनों में वो बाहर लिख के कर लेते हैं, कॉमन का होता है डिवाइड करना, जिससे कॉमन लेते हैं, जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, ये नहीं होता, जैसे ax + ay है, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, ए, यानी ए से डिवाइड करना दोनों को, ax / ay / a जुगा तुम भाई,
ए से ए गया क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे ए से ए जाकर क्या आ जाएगा, ये नहीं करते, ये तो करते होंगे या किसने बात, अब ये भी तो ये से मैं यूँ कर रहा हूँ मैं, क्या जाएगा यहाँ से एक्स को मन ले गए, बोले एक्स को मन ले क्या जाएगा एक्स अपोन एक्स प्लस वन अपोन एक्स, इस एक्स से एक्स कट गया क्या आ गया, अब भी नहीं बात हुई तो आ गई ये आ गया, यहाँ से मैंने आई कॉमन ले लिया और आई नहीं और साथ में एंगी एम बाहर आया, जब बाहर आएगा तो आई की पावर एम आएगा बाहर, क्योंकि देखो इसके बाहर पावर एम भी है, जाहिर सी सिर का ताज हुआ है, तो क्या आएगा आई की पावर एम बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे कॉट थीटा प्लस वन अपॉन आई ओटा, ठीक नीचे क्या जाएगा भाई ये नीचे क्या जाएगा बोलो, कोट थीटा माइनस वन अपॉन आई ओटा की पावर एम, कोट थीटा माइनस आई ओटा की पावर क्या जाएगा ये वन, ठीक है भाई इससे क्या चले जाएगा ए की पावर टू एम आई थीटा, ठीक है भाई इसको क्या कर लेता हूँ कोट थीटा को कॉस थीटा अपॉन प्लस वन अपॉन आई को, देखो वन अपॉन आई को ये कर लेता हूँ मैं, आई के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं, वन की आई में मल्टीप्लाई करें क्या आ गया और आई आई अल्टा अल्टा आई स्क्वायर क्या आएगा माइनस आई नहीं आ जाएगा, बोलो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो तो माइनस यहाँ लगा दूँ एक ही बात है अल्टा जुगे तो क्या आ गया माइनस आई, तो इसकी बदली माइनस आई लिख दूँ भाई चार दिक्कत तो नहीं, माइनस आई आयोटा नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस आयोटा की पावर एम को ये चलेगा, बोलो भाई कहाँ नीचे लो ये प्लस ही आएगा ही प्लस आने नहीं आएगा ही प्लस, ज़्यादा बात नहीं होगी कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक के भाई, सब कुछ अभी तक कोई नई बात तो नहीं सीखी, सब कुछ तुम्हारे पास आ गया था ना पहले थी, मतलब ये तो क्वेश्चन सब कुछ आया था पहले, अब देखो क्या करता हूँ मैं से इन्हें दोनों इसकी इसकी समय मल्टीप्लाई कर लूँ जिससे वन माइनस वन बाई टू कर रहे थे, या पता नहीं आई नहीं थी बोलो तो क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा अपॉन, देखो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या आएगा ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर सारे की एम ही कर लो इकट्ठे में, यार मैंने अलग अलग कर रहा सारे को इकट्ठा कर लिया कोई दिक्कत थोड़ी हुई, इस साइन थीटा से जब देखो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब दो फ्रैक्शन है एक ऊपर लिखी है एक नीचे लिखी है दोनों के अगर क्या इक्वल हो डिनोमिनेटर सेम हो तो कट जाओ, ठीक तो ऊपर क्या बच जाएगा भाई ये चला ही आ रहा है जिन्हें भूल जाइए भाई कभी कभी खुशी में ही इसी अलग भूल जाओ, तो क्या आएगा ई की पावर टू एम आयोटा थीटा है भाई, ये क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, देखो भाई ई की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या पढ़ी थी मैंने बताई थी कोस थीटा प्लस आयोटा बताई थी, और ई की पावर माइनस आयोटा आई थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा, याद करो आई बात नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एम है भाई इसकी वैल्यू, ये एम है नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी अब की पावर अब भी नहीं बात नहीं ई की पावर क्या जाएगा ई की पावर टू एम आयोटा थीटा इंटू
ये क्या जाएगा, e की पावर माइनस एम आयोटा थीटा अपॉन e की पावर एम आयोटा थीटा, पावर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, बोलो भाई। yes, ये ऊपर आगे क्या जाएगा, e की पावर 2m आयोटा थीटा मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एम आयोटा थीटा मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एम आयोटा थीटा, बोलो भाई। हैं, ये कितना जाएगा, e की पावर 2m आयोटा थीटा मल्टीप्लाई, देखो माइनस एम आई थीटा माइनस एम आई थीटा टू एम आई थीटा, ये प्लस के टू एम आई थीटा माइनस टू एम आई थीटा कितना जाएगा, ई की पावर कितना जाएगा, ई की पावर, और किसी भी चीज़ की पावर जीरो, उसकी वैल्यू कितनी हो, तो मुश्किल था साहब, आसान था सवाली, मुश्किल अब कैसा आया सवाल ये करने के बाद, अब तो आसान हो गया, लेकिन अब कैसा है, बस थोड़ा अकल सी है, थोड़ा सा है जो नहीं हाथ पैर बोले, जैसे आदमी सन हो ऐसा लग रहा है, बहुत बड़ी सवाल है, लेकिन जैसे करते करते आप तो ऐसा बिल्कुल ही मक्खन की तरह है, अब कर सकते हो उसको, बड़े भाई हाँ मिस करते रहो, मुझे पता है कि मैं तो कितना दिन नहीं मौत जितना कर लेगा उतना ही करना, नेक्स्ट टॉपिक है डी मायर थ्योरम, ये डी मायर परमी,
डीमर्स थ्योरम, डीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था ना स्क्वायर रूट वाला सब क्वेश्चन, एक जब भी आप 12th या 11th हो तो क्वेश्चन आने जाना आपको डीमर्स थ्योरम। और क्या बताया था मैंने स्क्वायर रूट वाला वर्गमूल वाला। डीमर्स थ्योरम क्या होती है, अगर कहीं ये हो भाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक लिखने में, की पावर अगर एन हो, अगर की पावर क्या हो एन, एन हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं से? बस नहीं नहीं वो तो बात खत्म हो गई थी, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन, देख कितना आसान हो गया, देखा मिल गया कितने क्वेश्चन आसान कर देगा। जो ये पावर है, जो ये इसकी एंगल में मल्टीप्लाई करो, किस शक्ल में होना चाहिए, कोस थीटा प्लस आयोटा, या अगर ये कह सकता हूँ मैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन इज इक्वल टू कोस एन थीटा माइनस चाहिए, ये कहती हुई अगर यहाँ माइनस है तो माइनस जीरो हो जाएगा, इसे मतलब हुआ अगर ये होता कहीं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई इक्वल टू कॉस एन फाई कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन फाई, अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन सेम आने सेम नहीं रखने देने थे, आगे बात नहीं भाई। देखो ये है नॉट इक्वल, ये क्या है दोनों, ये नहीं फॉर्मूले होंगे, चलो फॉर्मूले पे आएंगे। देखो क्या है शर्त, क्या है शुरू में क्या आना चाहिए, कोस के साथ एंगल, फिर इमीजिएटली में आयोटा साइन थीटा है भाई, इसमें क्या ये क्यों नहीं हुआ, ये इसमें एंगल थीटा है, इसमें एंगल क्या है, यानी दोनों एंगल क्या है अलग है, मिस मैच है, इसमें क्या फ़र्क है, हाँ इसमें साइन, इसमें जो है रियल पार्ट क्या होना चाहिए कोस, इसमें रियल पार्ट क्या है साइन, ये दोनों भाई साहब इसलिए फेल हो गए, ये दोनों पास है, मान लो तो याद हो गया होगा, यही क्या कहलाता है डीमर्स थ्योरम। आगे बात समझा, मान लो याद हो गया, हो गया सीधी सी बात है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन हो, जो भी पावर एन होगी उसकी एंगल में मैं मल्टीप्लाई करते आऊँगा, ये होती है डीमर्स थ्योरम। आगे बढ़े भाई, उतार लिए उतारो, चाहते उनसे काम में लग गए थे, पता क्या है था? जैसे हमने हमने काम करा, हमने टाइम रखा बैठे शाम का, ठीक, अब वो बच्चे पता क्या आ गए थे, गांव के बच्चे थे वो, अब पता लगा बाजार में घूम रहे हैं वो, हम पकड़ पकड़ के ला गए थे उन्हें बाजार में, वहाँ घूम रहे हैं आगे में, एक बार उन्होंने कुछ पंगा सा भी कर दिया था भाई, अब उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अब उनके लिए फिर सुबह का टाइम करा भाई, क्लास तो चलानी है ही उनकी वजह से, हमें भी अपना भाई सुबह ही करा था 7 बजे का, उनकी वजह से ही पूरा सिस्टम गड़बड़ा आ गया। जैसे अब आप करें कोई स्कूल है या कुछ भी काम करना है, वो कहीं जाते होंगे आगे फिर ये हैं, इसके बाद जो भी करना है उनकी वजह, फिर उन्होंने सुबह 7 बजे करा, अगर मार्केट में देख के कहाँ जाएंगे, अब वो कहते वहाँ वहाँ बाहर खड़े रहते हैं, भाई आ जाओ अंदर आ जाओ, बच्चों की अब तुम इतने बच्चे थोड़े हैं, ये तो 4th-5th के बच्चों के साथ होता है भाई, सर आ गए भाग भागो सर आ गए भाई, हैं
वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे अक्सर आ गए, फिर मैडम नहीं आती, वो बाहर भेगा, तो फिर आगे भागो भाई हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हो तुम्हें भी, अगर मैं तुम्हें कहूँ भाई आ जाओ क्लास चल गई हैं, अगर इतने बड़े बच्चों की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उसे क्लास में बुलाना पड़ रहा है, उसको कनेक्शन मिल जाता, वो बड़े दुखी में बीता वो टाइम, जान बचानी भारी पड़ गई थी। ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, देख के सब माहौल भी खराब बहुत जल्दी हो जाती है, देख के जो पढ़ेगा जब उसका ही होगा, कोई नहीं पढ़ता तो किसी का कनेक्शन नहीं है, इसके लिए शर्त क्या है, पढ़ना जो क्लास में नहीं बैठ रहा बच्चा है। हाँ, एक बच्चे ने, वो एक बच्चा ऐसा था, उसे कहीं से उसे नंबर लग गया लड़की वड़कियों का फ़ोन नंबर, उसे तंग करने लग गया फ़ोन भाई, अब वो पहले चले आ रही पंगे बहुत रहे, अब उसे पता करो उसका कौन फ़ोन था, यहीं पता भाई किसका फ़ोन था, कहाँ से थी, किसका फ़ोन है, मतलब पढ़ाई कम रहती थी उसमें, जजमेंट ज़्यादा रहता, पुलिस कचहरी कोर्ट कचहरी ज़्यादा रहती, भाई किसी ने फ़ोन करा ये क्या रहा है यार, छोटी छोटी बात है, ये हरकतें करते हैं। ठीक है भाई, आगे तुम्हें बेटा, ये थी हाँ हाँ और बस, ये यहाँ तो फ्री का है ना, फ्री की कदर नहीं करता कोई, वो एक एक तो बहुत शरारती था, उसकी वजह से छुट्टी भी करनी पड़ी थी भाई, जिस दिन वजह था हमें भी डर लगा था, मुझे क्या था महाराज जी आ गए, महाराज जी भाई आज छुट्टी होगी तब भी जाओ, ये तो बहुत ही खतरनाक था, उसकी उसकी वजह से मैंने कहा भाई आज कोई रोला जरूर करेगा आगे, वो ना बड़ा शरारती बच्चा था। अच्छा, देखो बड़े बड़े बच्चे हैं, देखो मैं तो अगर आपसे दोनों से तो बहुत हल्का हो गया, मैं दोनों को मिला के, मतलब आपके दोनों में बहुत, मतलब बड़े बड़े बच्चे होते हैं, आप सब बड़े हैं, बच्चे भी नहीं हैं कि जैसे डरा धमकाया जा सके, छोटे बच्चे हो तो क्या, वो बैठ जाओ अभी आ रहा मैं, अरे यहीं खड़ा मैं, ठीक है लंबा घूम आया यार बच्चा, सर भारी खड़े हैं, करते रहे बेचारा पाँव नीचे गर्दन करके, वो तो अंदा लगा लेना है नहीं, बहुत दूर चले गए, ठीक नहीं है, तो ये होती है क्या है, देखो अपना इंसान देखो हमारी सेहत तो फर्क नहीं, हमें गवर्नमेंट क्या दे रही है इसके लिए, भी देगी अब भी देगी, हमारे जॉब दिया अपनी जॉब में बहुत पैसे मिलते हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे भी सेहत तो फर्क पड़ता है, कोई पढ़ता है ठीक है ना पढ़े, जयराम जी की भाई हैं। देखो भाई अगर ये हो, देखो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर एन, ठीक है ये ऑनलाइन चल रहा है, मुझे बताना चाहिए थे एक बात, मैंने ऐसी करे हैं, ये देखो इसका क्या ठीक है, अब सर क्या पढ़ा रहे हैं, देखो ये क्या है, अब मुझे फॉर्मूले लगाना है, इसमें फॉर्मूले लगने के लिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है, कि लगाना मुझे इसमें ही लगाना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, साइन को कोस में बदलने वाला होता है ना, क्या होता है कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है साइन, इसे लिख सकता हूँ मैं कोस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आयोटा क्या कहेगा साइन पाई बाई टू माइनस के थीटा की पावर एन, ठीक। अच्छा शर्त ये तो बताई थी कोस और साइन हो, ये तो नहीं बताया था एंगल छोटा बड़ा कैसा भी हो भाई, तो अब एन की क्या है मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसमें क्या आ जाएगी कोस एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा दोनों में हो जाएगी, बोलो इधर क्या आ जाएगी आयोटा बोलो साइन एन पाई बाई टू माइनस के एन, एंगल तो लगाना अगर इस तरह हो तो, यानी कि एंगल 90 माइनस थीटा में बदल के पाई बाई टू माइनस थीटा फिर लगा लूंगा मैं, अगर कहीं थ्योरम जबरदस्ती लगानी पड़ गई, आगे बात नहीं भाई, ये कहना चाह रहा था मैं, इसका मतलब ये है, फिर जब ये क्वेश्चन आ जाते क्वेश्चन लगाते हैं इसके बाद,
देखो ये क्वेश्चन है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, इसको हल करो। ये 12th स्टैंडर्ड 11th का बिल्कुल सिंपल सा सवाल है सीधा सा। देखो भाई क्या करते हैं इसमें, देखो भाई इसको करने के लिए ये तो बेचारा सीधा है, तो सिंपल थे। देखो भाई ये ऊपर आई तो दिक्कत नहीं पैदा कर रहा, कर रहा कुछ है तो वह सीधा है। ये क्या आ गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4। नीचे जो डिनोमिनेटर में इन दोनों में क्या करता हूँ मैं, दोनों में क्या कॉमन ले लिया भाई, आई आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा क्या ले लिया, तो आयोटा कॉमन ले क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 बाहर आ गया, पहले ही बताया था। अभी इधर क्या आ जाएगा बोलो, हाँ साइन थीटा अपॉन आयोटा प्लस कॉस थीटा की पावर, आगे बात नहीं हुई। ये वन अपॉन आयोटो क्या लिख, आयोटा क्या लिखू, माइनस आयोटा बोलो, बताया था अभी मैंने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके है, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4। ये क्या जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर क्या जाएगा, और आयोटा की पावर 4 कितनी हो, 1 खत्म। अच्छा इसे क्या जाएगा बोल लो, इसे करके क्या जाएगा, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, इसे ऊपर ले जाऊंगा भाई मैं, क्या जाएगा बोलो, थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस 4। ये नीचे है ना डिनोमीटर में, इसके पास दोस्त उसका यहाँ बैठा, ये ऐसा ही नहीं है दोस्तों ने बुलाए हुए भाई, जैसा ही है होता नहीं, जहाँ दो दोस्त होते हैं खाना भी एक साथ खाना है शादी में, अगर जा इशारे से बुला रहे मैं यहाँ बैठा है, तो यो इसने इसे अपने पास बुलाए हुए, नीचे था कहाँ बुलाए गए थे यो, अब ऊपर खाना खा लेंगे वहीं बैठ के हैं, क्लास में भी इकट्ठे बैठे हैं। हाँ जी माइनस है, देखो करूँगा लगाऊँगा, यही तो है इसलिए तो मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया। ये जुगत हूँ भाई, ठीक आई बात है। देखो ये क्या जाएगा, इसमें माइनस की कॉस की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मैं क्या है कॉस माइनस माइनस आयोटा साइन माइनस, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस माइनस थीटा क्या इक्वल होता है भाई बता किसी को, शाबाश। अरे साइन माइनस थीटा बिल्कुल पता भाई, शाबाश, मैं तो डर रहा था नहीं पता होगा, मेरे से भी ज्यादा पता भाई तुमको, कोस माइनस थीटा क्या के बराबर होता है कोस थीटा, जब मैं यहाँ माइनस कोस माइनस फोर थीटा लगाऊंगा तो कोस फोर थीटा आ जाएगा प्लस का, और माइनस के आई साइन थीटा, आई साइन माइनस फोर थीटा लगाऊंगा क्या जाएगा प्लस का, आई साइन फोर थीटा नहीं जाएगा बोलो, आगे बात नहीं लिख दी डायरेक्ट, अब ये क्या आ गया बोल लो, कोस फोर थीटा प्लस आयोटा साइन, अब तो समझ में आ गया क्यों लिखा था, इसके पास इसको तो भाई रखा था बिल्कुल, है देखो ये भी x है ये भी x है, x मल्टीप्लाई x क्या आ जाएगा, या सही नहीं आए इसके ऊपर लिख दो भाई, इतना तो पहचान ही लोगे, क्या आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा का स्क्वायर, एक बार फिर डी और सिमेंट लगा दो, इसमें कोई दिक्कत है अभी लग रही है, तो बहुत सीधा ना, क्या जाएगा ये कॉस कितना आ जाएगा, कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन, मुश्किल था क्या था, प्रैक्टिस करा जो मैं बता रहा पहले इनकी प्रैक्टिस कर लिया, बार बार आ जाएंगे देखो भाई इसको क्या है, आगे ना आसानी है आप, मुश्किल था आसान थी, बच्चे की तरह तो था है, बट जो थ्रम तो लगानी बच्चों की तरह आ जानी
पावर की एंगल में मल्टीप्लाई करनी पड़ी, ट्यूमर थ्योरम है मोटा मोटा। और सिम रियल रियल पार्ट में कोस और इमेजिनरी पार्ट में साइन हो, बस ये था सीधा सीधा बात, कुछ भी नहीं आया इसमें। चैप्टर शुरू करूंगा उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दूंगा, चाहे तो उसकी फोटो स्टेट से पन्ने पर दूंगा मैं लिखे साफ साफ, एक को दे दूंगा, चाहे तो फोटो स्टेट पर आ लेना चाहे तार लेना बैठ सकते, ठीक है? एक को दे दूंगा मैं, ग्रुप बना हुआ मैं आपको भेज दूंगा, आप भेज दूंगा, ठीक है भाई? बेटे भाई थोड़ी सी बात और, देखिए बहुत ईजी सवाल है, मक्खन जैसा सवाल था, अच्छा आसानी था ना सवाल, ये बहुत आसान बच्चों वाला, ऐसे ही बच्चों वाले एक और सवाल बच्चे बड़े वाला था है। चल एक तो भाई एक सवाल ही है मेरा, रूट एट प्लस आई रोटा की पावर 50 इज इक्वल टू 3 की पावर 49 वन प्लस आयोटा, ए प्लस आयोटा बी, हाँ जी ये सवाल है, इफ का मतलब अगर, ये आईआईटी का क्वेश्चन है बिल्कुल सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल सा सवाल, अगर तुम्हें कुछ उम्मीद सी बनी होगी आईआईटी के सवाल हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा गंडा है मतलब थोड़ी सी गंडा का लग जाए एकदम हो जाए, थोड़ी सी क्या लग जाए, थोड़ी सी बस कॉन्सेप्ट सा क्लियर हो जाए, थोड़ा करना क्या चाह रहा है, ये सीधा नहीं वहाँ कहते, नहीं कहता कि सीधा अग्रिंदा को तेज होगी, पाइपों को चढ़ना पड़ता है ऊपर छत पर जाकर, ये वह फर्क है जाना नीचे ही है ना। देखो भाई क्या करता है इसमें, ये क्वेश्चन है इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्वेश्चन क्या है, रूट एट प्लस आयोटा की पावर 50 निकल गई 3 पावर 49 ए प्लस आई बी, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं क्या करता हूँ इसमें मॉडुलस ले लूँ दोनों टाइप दोनों तरफ का, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ लिख लिया भाई। अब इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, रूट एट प्लस आएगा, हाँ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये तो था भाई, क्या आ जाएगा रूट एट का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और रूट ये तो था भाई, यही था ये सीधा मोड़ लगाऊँ वही लाइन थी,
खंबे से खींचू जिसे बिजली के हैं, इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3 की पावर 49 ए स्क्वायर प्लस का। दिक्कत सुनिए भाई, आसानी नहीं आता। अब क्या कर दूँ, अब ये लग रहा तो क्या कर लूँ, स्क्वायर बोथ साइड क्या कर दूँ स्क्वायर, इसे हटाने के लिए ये लिखेंगे स्क्वायरिंग, या दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, ये तो ये हट जाएगा स्क्वायर करके, या पूरा करके स्क्वायर करके लिख दूँ, या डायरेक्टली लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, ये रूट आठ का स्क्वायर, लो जी 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 49 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा भाइयों। अरे ये भाई साहब ये आ जाएंगे क्यों भाई साहब, दिक्कत तो नहीं, रूट 8 का स्क्वायर 8 और प्लस 1 9, शाबाश मुझे पा रहा भाई। अरे 3 की 8 49 की 2 की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3 की पावर 49 2 की मल्टीप्लाई कर दूँगा क्या आ जाएगा 98, क्या आ जाएगा 3 की पावर ए स्क्वायर प्लस के, ज़्यादा बात नहीं होगी, 9 को किस पर लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, तो क्या आ गया ये 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 98 ए स्क्वायर प्लस के। आसान है मुश्किल, 3 की पावर 2 तो यह है, ये उसके नीचे आ जाएगा, बोलो ऊपर आ क्या जाएगा, 2 माइनस 98 कितना आ जाएगा, मुश्किल था अभी भाई, ये आंसर में चाहिए कोई बात नहीं, पावर कितनी है ये मुझे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पावर कितनी है भाई, पावर 50, इसकी पावर कितनी है, तो नुकसान नहीं होना, इसकी पावर कितनी है भाई 52 और 2 क्या जाएगा 3 पावर क्या जाएगा, वो तो 100 माइनस 92 क्या जाएगा 3 की पावर 2, 3 और 2 का मतलब क्या जाएगा 9, नहीं कि भाई वो कोई ज़्यादा बड़े मैटर थोड़ी हुआ, जो टेक्निकली गलती आ गई थी दिमाग में, आगे समझा कोई ज़्यादा बड़ा फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं तो बड़ा सामने तो उसे ही मान लेता भाई, ज़्यादा तो क्या सारा तू ही सही है। देखो एक सवाल हो रहा है जी, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, सवाल लिख रहा है अभी तो मैं पूछती,
बड़ा सा लग गया हो रहा है बस इसका सवाल जो है तो नहीं ना उतार लो सवाल उतार लो भाई पहले देखो पाई बाई टू का स्क्वायर पाई बाई टू का स्क्वायर ये पाई बाई टू की पावर क्यूब साइन पाई बाई टू की पावर क्यूब फिर आगे क्या आएगा कॉस पाई टू बाई की पावर फोर आई साइन आल्ट्रा साइन टू पाई बाई की पावर फोर कहाँ रख के आए हो इनफाइनाइट इसका एक्सप्रेशन निकालना फाइंड इसकी वैल्यू बताओ क्या क्या वैल्यू है इसकी इतने तगड़े सवाल अब टू इन्फिनी टू है कहाँ तक क्या टू भाई क्या करते हैं इसको देखो भाई दूध रब कर दूं अगर कहीं एक फॉर्मूला है ये देखो भाई अगर कहीं ये है cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इधर ही है cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर का डायरेक्ट याद कर लियो क्या आएगा जब मैं तो बच्चों तरह मल्टीप्लाई करूँगा तुम कोस ए कोस भी आएगा फिर इसकी इसकी ये करोगे सीधा डायरेक्ट ही आएगा करके देखना मल्टीप्लाई घर बैठ कि ये फार्मूला बन जा नहीं बन जा घर बैठ कर लोगे भाई ये फार्मूला बनेगा ठीक है आई बात नहीं देखो है ना कोस ए कोस थीटा वन कोस थीटा टू आएगा माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू आएगा कोस ए प्लस बी और आ जाएगा आ नहीं जाएगा इस तरह अगर ये तीन होते तो क्या आता भाई ये क्या जाता बोलो जाता नहीं दिक्कत तो नहीं भाई अगर चार होते अगर चार होते तो क्या जाता अगर इन्फिनिटी होते तो क्या आता इन्फिनिट देखो ये यू ही नहीं आती है ऐसा ही नहीं आती बिल्कुल बता फोन वही तो हैंगिंग है तो बात वहीं के वहीं है सुनने वहाँ की बात इन्हें उतारने से उतार लो भाई कर इन्हें फॉर्म लो कर ये तो याद हो गए होंगे फॉर्म लो ना ये फॉर्म लो तो याद हो गए होंगे अब क्या आ जाएगा ऊपर मिटो देखे नीचे वाले को देखो क्या आ जाएगा ये ऊपर क्या आ जाएगा ये लगो वही जो भी बताया गया मैंने cos पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का स्क्वायर बोल लो अब पाई बाई टू का फोर अब टू नीचे फिर क्या आएगा साथ में प्लस आई रोटा साइन बोलो पाई बाई प्लस पाई बाई बताओ भाई दिक्कत तो नहीं है कुछ यहाँ तक की एक छोटे छोटा सा बन गया और हैं तो आदमी सा बन गया एकदम है तो ना धो के बाल से कर लिया आदमी है देखो अब क्या है देखो ये अंदर क्या है पाई बाई टू का स्क्वायर पाई बाई टू की पावर फोर अपनी क्या चीज़ ये कुछ हो रहा क्या चीज़ है पढ़ा तुमने ऐसी कोई चीज़ ये शरीर बन रही श्रेणी कौन सी श्रेणी बन रही है समांतर गुणोत्तर हरात्मक विविध चार पढ़ी थी हैं पढ़ी तो पढ़ी होगी तुमने तो पढ़ी नहीं अरे समांतर तो इलेवेंथ में है नहीं है तो शुरू में ही पढ़ाते हैं समांतर गुणोत्तर श्रेणी तो शुरू में नहीं पढ़ाते देखो जी क्यों मिनट में पढ़ चल रखे देखो तीन श्रेणियाँ होती हैं समांतर वैसे तो बहुत और भी हों लेकिन तीन याद कर लो समांतर कौन कौन सी ए एम अर्थमेटिक मीन समांतर ज्योमेट्रिक मीन जी की समांतर गुणोत्तर और हरात्मक एच पी ये तो होती हैं तीन
पहचान क्या है भाई इनकी, ये तो दोनों भाई बहन की, ये तो उसकी उल्टी हो, ये तो दोनों एक ही समझ रहे हैं, मेन हो गई ए पी और जी पी। ए पी यू बता रही है, इन्होंने मैडम ने बताया कि मुझे कि इसमें डिफरेंस सेम रहता है किसी नंबर का, क्या पहचान है इसकी डिफरेंस, ये कोई नंबर का चाहे तो प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो क्या होता है, जैसे ये क्या होती है ए पी, इसी चीज़ की ए पी होती है, मान लिया फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है डी, तो क्या आएगा ए प्लस डी, आगे ए प्लस टू डी, आगे ए प्लस, अब तुम्हारे पास आया अभी तो नहीं कह रही मुझे पता नहीं है, यही ए पी है, यही फर्स्ट टर्म तो ए है, फर्स्ट टर्म ए है उसमें डी डी जोड़ते हो ए पी है, ये तो हो गई ए पी, मोटा मोटा समझ में आ गया ए पी का भाई। जी पी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर, इसमें डिवाइड या मल्टीपल कर दो, डिवाइड या मल्टीपल एक ही तो बात है, चाहे तो ये कर दो भाई वन अपॉन आर, आर से डिवाइड कर रहा चाहे वन अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर रहा, एक ही नहीं बात होती, तो ये एक ही बात हो है। तो जी पी में क्या होता है, अगर ए फर्स्ट टर्म हो इसमें आर की कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो, तो क्या देगा ए आर, फिर ए ये क्या हो गई भाई, ये भी जी पी हो गई, ये ए पी हो गई, ये जी पी हो गई, तो ये जी पी नहीं रखी, ये ए पी है जी पी है, बताओ जी पी है, आर इसे बोलते हैं डिफरेंस, इसे इसमें कॉमन डिफरेंस था ना, इसे बोलते हैं आर को रेशियो, रेशियो की आर नहीं आई दोनों जी, ये तो बाद में आएगा, यहाँ देखो रेशियो आर की बराबर है, ए आर से ए को डिवाइड करें क्या आ गया आर, ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करें क्या आएगा, ए आर स्क्वायर को ए आर से क्या आएगा, इससे इसे डिवाइड करें क्या आएगा, इसमें से जब डिफरेंस करा तो क्या आएगा डी, इन दोनों का लगातार का, इन दोनों का समझो आगे, यही फ़र्क है ए पी और जी पी, मोटा मोटा समझ लो फिलहाल तो। तो ये ए पी में है जी पी में है, ये सीरीज अगर कोई सीरीज जी पी में है तो उसका कौन से कहाँ तक के कितने टर्म्स से आए हैं, उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, याद कर लेना क्या होता है ए, इसका ए क्या है जो यहाँ क्या होंगी टर्म थी, हो वन तो वन हो ही माइनस भी पढ़ रखा, आर क्या था उनका रेशो डिवाइड करके, यानी कि ए आर सेकंड को फर्स्ट डिवाइड करता था यही नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो कॉस ए, ए की वैल्यू अपॉन वन माइनस आर पाई बाई टू से पाई बाई टू स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, चाहे इससे कर दो एक एंगल एक ही नहीं बात है, क्या आ जाएगा बोलो पाई बाई टू नहीं आ जाएगा बोलो, आई नहीं बात, देखो भाई पाई बाई टू स्क्वायर को, पाई बाई टू स्क्वायर को क्या करना है पाई बाई टू से डिवाइड करना, इस पाई से तो वन अपॉइंट टू का स्क्वायर अपॉन वन पॉइंट टू, ये नहीं आ रहा है नहीं, अरे देखो और आसान तरीका करो, नहीं बात करो मैं कह रहा हूँ भाई पाई बाई टू स्क्वायर को पाई बाई टू से डिवाइड कर दो, ये तो बात नहीं आ जाए यहाँ तक की है, इसे जू कर दूँ इतनी बात नहीं मनी आई, ये क्या कर रहा है कह का निशान है डिवाइड की जगह मेडिटेशन कर दूँ दो फ्रैक्शन ही नहीं कर दूँ, इसे उल्टा कर दिया, कह रहा है यही नहीं होता, अब भी नहीं समझ आई, इस पाई से नहीं बांट रहा था जब भी टू अपॉन टू का स्क्वायर वन अपॉन टू नहीं आ गया, ये भी नहीं समझ आई, इधर टू मल्टीप्लाई टू कर दूँ भाई टू से टू आ गया, तो क्या आ गया वन बाई टू, तो कॉस क्या आ जाएगा वन बाई नहीं आ जाएगा प्लस आई ओटा साइन क्या आ जाएगा पाई बाई टू अपॉन वन माइनस वन बाई बोलो भाई, यहाँ पे बात सुनवा गई भाई, देख कितना छोटा बना दे एकदम सवाल एकदम है, ये क्या आ गया कॉस पाई बाई टू वन माइनस वन अपॉइंट टू कितना आता है वन अपॉइंट टू नहीं होता
भाई एक माध्य आधा घटा के 1/2 नहीं आता, बोलो इधर क्या बन जाएगा, आयोटा साइन पाई बाई टू अपॉन 1/2, ये न्यूमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर अपॉन जब डिनोमिनेटर सेम हो कब भी बता दो काट दो 2 से 2 तो क्या बच जाएगा कॉस पाई अपॉन पाई, जो पाई लिख दिया भाई मैं तो जल रहा था मैं कहीं कॉस पाई है प्लस क्या बचेगा आयोटा साइन, साइन के जितनी भी पाई हो साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 कितनी क्या वैल्यू है इनकी सबकी वैल्यू कितनी हो पाई की वैल्यू कितनी हो पता है तो साइन 180 की वैल्यू कितनी हो तो ना एक होगी है नहीं क्या होती है बताओ एक बात जो बताऊँ वही फाइनल है नहीं साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है देखो अगर साइन 180 की निकलती है साइन 180 को इधर लिख सकूँ भाई मैं साइन 90 प्लस 90 साइन 90 प्लस थीटा क्या के बराबर होता है माइनस माइनस कोस थीटा कोस 90 कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है तो जीरो और इसकी साइन 9/8 की वैल्यू कितनी आ गई अब तो आ गई इसमें अच्छा कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा माइनस साइन 90 की वैल्यू माइनस वन ठीक है आ गई बात नहीं तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी आ गई और साइन जीरो की वैल्यू माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन बताओ ये आंसर चमका कुछ मुश्किल था आसान मुश्किल और अब तो आसान था होगा तो क्या करा भाई मैंने पहले वो फॉर्मूले के एंगल जोड़ दिए फिर ये जी पी में आ गए इनके फॉर्मूले लगा ए अपॉन वन माइनस आर लगा दिया है ठीक है इनको सॉल्यूशन कर दिया कोस पाई की वैल्यू 1 माइनस 1 हो साइन पाई की वैल्यू 0 हो तो माइनस 1 प्लस 0 माइनस के 1 तो लिख रहा है क्या करें अच्छा मतलब आया नहीं कुछ सवाल करते हैं मैं बोर तो नहीं हो रही इसमें एन टर्म का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी समांतर शरीर के एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और सम का योग क्या होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जी कौन सी जी सीरीज है 5-6 लाख से चलेगी सीरीज के भी कितने 6 यहाँ के थोक के भाव हैं पर बिल्कुल ही पूरी हैं भूल गए कोई बात नहीं आ जाएगा फिलहाल तो मोटा मोटा याद रखो हो गया भाई तो एक और सवाल थोड़ा सा लगाते हैं ऐसे ही है ऐसे ही लगा कॉन्सेप्ट वाले हैं ये मदरसा का कॉन्सेप्ट के लगाते हैं थोड़ी अकल सी लगे
देखो मैं तुम्हें हर सवाल जो है थोड़ा अलग तरीके का होता है, नए तरीका बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल ही वो नहीं था ट्रेंड वाला कि और दो ये बताना बच्चे को फीस्ट में चलता है वो अब दो गुना तीन बराबर छः अगर बैठे ही कर ले बच्चे दो गुना चार दो गुना पाँच दो गुना छः वो करता जा रहा है ऐसे ही नहीं होता। क्या करें करे होंगे ऐसे सवाल करें नहीं बच्चों को बताया अभी यहीं चले हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ फर्स्ट मैंने कर बड़ी भाई मैं बच्चे के लिए क्लैपिंग करो भाई बहुत अच्छा करके ला रखा हूँ मैं। चलो मज़े अच्छे दिन थे वह अब तो बेकार से दिन आ गए हैं अच्छी भी हमें फिर अच्छे आएंगे जब कहीं जॉब लग जाएंगे। देखो भाई एक सवाल है रूट थ्री अपॉन टू प्लस आई ओल्टा अपॉन टू की पावर फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस आई ओल्टा अपॉन टू की पावर फाइव ठीक प्रूव दैट ये जेड के बराबर है मान लिया प्रूव दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ये क्या है फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इसका तो इमेजिनरी पार्ट बताओ या सिद्ध करो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा ठीक है भाई किस तरह होगा क्या करता हूँ देखो मैं अभी मेरे दिमाग थीटा में घूम रही कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा बन जा कहीं से हैं कुछ आसान काम कर दिया वहाँ मेरा क्यों फिर तो उसकी मल्टीप्लाई कर दूँगा सीधा चक्कर में नहीं पड़ता मैं। अच्छा रूट थ्री बाई टू कोस में किसकी वैल्यू होती है पहले कोस और पाई में किस तरह लिखूंगा भाई मैं पाई बाई शाबाश है भाई तुम्हारे पास टेक्नोमेंट में कुछ चाहते नहीं होगा कोस पाई बाई सिक्स प्लस आई ओटा ये वन बाई टू की वैल्यू कितनी होती है साइन पाई बाई सिक्स साइन पाई बाई सिक्स की पावर फाइव इसे क्या क्या कॉस अब तो सीधा लिख दूँ मैं कॉस पाई बाई सिक्स माइनस आई ओटा साइन पाई बाई सिक्स की पावर फाइव बोलो जी बोलो कुछ गलत क्यों नहीं करा ठीक करा। अब मैं डिमोट थ्योरम लगा दूँ कॉस थीटा बोले आई साइन थीटा की पावर एन लगा सकूँ तो क्या आ गई बोलो लगाओ फिर इतने कॉस पाँच पाई बाई सिक्स प्लस आई ओटा साइन पाँच पाई बाई सिक्स प्लस कॉस पाँच पाई बाई सिक्स प्लस आई ओटा साइन पाँच पाई बाई अच्छा कहाँ आएगा माइनस पता तेरा को देखो इससे गलती का मेरे लिए ठीक है इससे ये उसकी दावत कर देगा भाई ले भाई कहाँ जा रहा है तो एक कॉस पाई बाई सिक्स एक कॉस पाई बाई सिक्स टू कॉस पाँच पाई बाई इसमें बचा कोई इमेजिनरी पार्ट कैसा पार्ट है ये सारा तो इमेजिनरी पार्ट कैसा है इसका और क्या चीज कर रहा था भाई मैं यूज कर नहीं जाओ क्या बोलना नहीं होगा मेरी पार्ट में जीरो हूँ बस देखना पड़ेगा है ही नहीं मैं जीरो एकदम आसान था ये है मुश्किल सर एक चौक ला सकोगा तुम लगे थे डेढ़ चौक गिन के यार तुम्हें तो और बड़ा सारा बड़ी सी भर लगते कि वहाँ किराए के लग रहा है नहीं एक सवाल और करते हैं बढ़िया था बढ़िया अच्छा था सवाल भाई बढ़िया था हाँ तुम नहीं नहीं दोहरा दिया बहुत अच्छे देखो मैं जरा तरह से कॉन्सेप्ट बता तुम्हें पता था नहीं जरा तरह से एक चीज़ है छोटी छोटी चीज़ें हैं इस चैप्टर की है भी नहीं है मैं बता देता हूँ कि इस तरह ही है कि भाई आ रही समझ बात पहले अब है देखो अब बच जाएगी एक उतार लो भाई जरा फिर आगे क्वेश्चन करते हैं एक और
पन्ने गिंदे मेरे पन्ने गिंदे बच्चों के बच्चे देख क्या नहीं देखो कि कितनी बढ़ गई हैं नहीं बच्चे हैं इन्हीं गिरते मुझे तेज कुछ भी नहीं ज़्यादा बड़ी मैंने ज़्यादा पढ़ा है अब बड़े क्यों क्या मैं तो पढ़ती ही नहीं बड़े होकर बच्चे क्या होते हैं आपस में अब मैं तो अच्छा पढ़ती हूँ हैं अब तो बच्चे मैं नहीं पढ़ूँ ज़्यादा हैं उल्टा है टाइम टाइम रह जाए अब बच्चे क्या होते हैं अब मैं तो पढ़ाई देख रहा काम कर लिया मैंने बच्चे एक अपना आपको बताते हैं अमीर अब तुम तो बहुत अमीर हैं अच्छा बड़ा जाओ क्या भाई अपने रोटी रोटी भी चलनी मुश्किल हो गया घर में क्या मांग मांग के ला रहे और पापा ने कहते हैं बेटे काम करेगा तो खाएगा नहीं कहाँ खाएगा कि भाई ऐसा ही नहीं होता जब बड़ा हो जाएंगे तो काम चल नहीं रहा भाई बच्चे ना चल भाई अपनी चीज़ खिलाएंगे बच्चे खा लेते हैं अगर चल खिला दे मैं किराया तो मांग के लें आप मैं जानता अभी तो ये बदलता रहा टाइम क्या हो जाए सबके टाइम बदल जाए जब मैं यहीं जी आई थी बड़ा भाई ट्वेल्थ मैंने यहीं थी करी है ठीक है हाँ तो यहाँ सामने ग्राउंड था बिल्कुल ये जो है ना सामने ये जूली पार्क जाते हैं यहाँ अब तो पार्क वार्क से बना दे पूरा मैदान था पूरा तो हमारे साथ के बेचारे जो नहीं पढ़ते थे बच्चे वो मैच खेलते थे वहाँ पूरा क्रिकेट दिन पूरा टाइम एक फलों वाले की चाट की दुकान है ना शॉप है यहाँ सामने भी देखती है वो है उस पर शर्त लगा देते थे कि भाई जो भी जीत जाएगा वो दावत देगा सब वो तो उनमें से बेचारे अभी हाँ खीरी वीरी लगाना है मतलब हमारे साथ पढ़ने वाले हैं जो नहीं पढ़े और अच्छी अच्छी जगह भी हैं भाई तभी तरह गए फिर मैंने एम एस सी गई थी एम फिल गई थी एम बी गई थी फिर नेट वेट पास करके पहले देखो पॉजिटिव ले लो दिमाग पहले तो यही करो पॉजिटिव लो अगर तुमने पहले कहते हम करते हैं फिर क्या करोगे फिर क्यों करे वही कर लो भाई सही है ना बात पॉजिटिवली बहुत अच्छी चीज़ होती है पहले भाई यही होगा पहले यही होगा फिर की फिर देखेंगे देखो ये क्या है देखो इसके बाद करूँगा जेड प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू टू कॉस थीटा एक क्वेश्चन है और क्या है जेड प्लस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू टू कॉस थीटा प्रूव दैट प्रूव दैट z की पावर 2n प्लस 1 अपॉन z की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 के क्या सवाल है भाई बोलो 10 थीटा मुझे डिमोर छेद लगी n है तो 10 n थीटा है क्या जाएगा ये 10 n थीटा ये डिमोर छेद लगी ये ज़्यादा करेगा मोड भी लगा दो कर लेगा ना नहीं तो उसकी बिना भी काम चलेगा ठीक है दिक्कत तो नहीं भाई देखो भाई ये क्या है z प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू टू कॉस थीटा है इसे क्या कर लेता हूँ z की इसमें मल्टीप्लाई करता है क्या आ गया z स्क्वायर प्लस वन अपॉन बोल चला हूँ z इज इक्वल टू टू कॉस दिक्कत तो नहीं यहाँ तक के भाई कर सको तो इतना पूरी भी z की इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर ली नीचे वन है तो क्या आ गया बोल लो z स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू नई बात तो नहीं बताई मैंने बोलते रहा हो दिमाग यहाँ तक इस टू जेड को थीटा क्या करूँ मैं पक्षांतर करके धर लिया इधर जीरो बच जाएगा बोलो क्या जाएगा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो क्या कह रहे हैं गलत कर दिया आगे यहाँ तक बात नहीं हो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वन के ऐसे फैक्टर है जिनका टू जेड कोस थीटा होता होते ही नहीं होते फिर इनके लिए धराचार्य कहा था कि मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया करो श्री धराचार्य जी ने कहा था क्या कहा था फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये तो बताया था उन्होंने चलो भाई साहब को फिर इस्तेमाल करेंगे वही हैं जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा बोलो माइनस बी बोलो माइनस माइनस बी का मतलब होता है टू जेड कॉस थीटा ये ध्यान रखना भाई माइनस है देखो भाई
एक माइनस यू रहा और एक माइनस यू रहा, माइनस बी होता है ना फॉर्मूला, और बी की वैल्यू माइनस बी है, ये रही समझ में आ गई ना, प्लस माइनस जेड नहीं आने का। ये लो जी तुम्हारी मर्जी ना लिखो, तो तुम्हारी साथ ही भाई ना लिखो, ठीक नहीं है, क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, एक्स की जगह यूँ तो बताया तुमने मुझे, ठीक करा बहुत अच्छी बात की, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी बी की वैल्यू फिर थीटा कॉस थीटा, अच्छा टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए की वैल्यू कितनी है वन, सी की वैल्यू कितनी है वन, अपॉन टू मल्टीप्लाई वन, टू है भाई, माइनस 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 टू कॉस थीटा प्लस माइनस क्या जगह ये फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर अपॉन टू, ये है बाबू जी, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया मैंने, फोर कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा ये एक होगा, लिखनी पड़ेगी यहाँ बड़ा टू कॉस थीटा प्लस माइनस, जब फोर दोनों में से कॉमन ले लूँगा फोर बाहर आके आ जाएगा टू, टू यहाँ रहेगा, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू, और ये भी अभी तो हटा दी, लिखते हैं अच्छा, ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि इधर टू की तो जमानत हो गई थी बाहर आ गए झेलते हैं, जमानत कर दी थी हमने इसकी, हैं ठीक है, दिक्कत तो नहीं, हाँ बिल्कुल वही बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, इन दोनों में टू कॉमन ले लूँगा क्या आ जाएगा भाई कॉस थीटा प्लस माइनस, ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या क्या फॉर्मूला होता है होता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा भाई, क्या होता है इसे माइनस ही कॉमन ले लूँ समझ, या फिर कर लूँ मैं, है नहीं इनको बता दूँ मैं, यूनिट यूनिट देखती था तुम कभी पलट जाओ हैं देखना भी थोड़ा बहुत देखेंगे भैया, थोड़ा खाली है भी नहीं, थोड़े भागे चले जाएंगे, देखो भाई दिक्कत तो नहीं आई, इससे क्या जाएगा ये इधर क्या जाएगा ये कोस थीटा प्लस माइनस, देखो भाई ये माइनस वन ही है ना, माइनस वन की वैल्यू क्या हो, पहले दिन से यही चल रहा हमारे, चल ही नहीं हम कुछ बता रहे, और आयोटा स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा आयोटा, और यो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जमानत हो जाएगी अंदर से, तो सीधा क्या लिख सकूँ, तो जेड की वैल्यू हो गई भाई साहब की, क्या की वैल्यू आई है जेड की वैल्यू कितनी आ गई कोस थीटा प्लस, यहाँ तो दिक्कत तो नहीं भाई, ईमान दे बताओ यहाँ से दिक्कत तो नहीं, कर सकोते थे ना अगर चाहते, नई बात तुझे सब कुछ पता था तुम्हें, अब ये अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, किसकी नहीं साइड साइड तो एक ही साइड तो है ही नहीं तुम्हें, मैं तो मुझे तो यहाँ से पहले जेड की वैल्यू निकाल ली, पहले भी क्या निकाल ली मुझे जेड की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, बस सीधी सी बात है, सवाल तो लिख लिया होगा भाई तुमने, लिख लिया था सवाल है, सवाल ही लिखा क्या, सवाल सवाल लिखो मैं मिटो नहीं भाई, चलो चलो मुझे सर रहने देना, अच्छा भाई सुनो मैं क्या करता हूँ, मेरा जी चाह रहा इन दोनों में से जेड की पावर एन कॉमन ले लो यार, अगर तुम्हारा मन करता हो इजाज़त देता हूँ तुम हैं, है इजाज़त जेड की पावर एन कॉमन नहीं हो सकती, पता नहीं ये टू ही तो है, अरे देखो इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वन इन दोनों में से एक्स नहीं कॉमन आ सकता, क्या आ गया एक्स कॉमन लेके बोलो ये नहीं आ जाएगा एक्स बोलो वन ए नहीं आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन ले लूँ जेड की पावर एन कॉमन ले लूँ, तो जेड की पावर एन कॉमन लेके क्या आ जाएगा बोलो, जेड की पावर एन प्लस वन अपॉन जेड की पावर एन, यही नहीं आ जाएगा, नीचे से क्या कॉमन ले लूँगा ये क्या आ जाएगा जेड की पावर एन कॉमन लेके वन माइनस जेड की पावर, इस जेड की पावर एन से
ऊपर क्या बच जाएगा ये रेड की पावर एन प्लस वन अपॉन रेड की पावर एन क्या बच जाएगा ये रेड की पावर एन प्लस वन अपॉन रेड की पावर एन नीचे क्या बच जाएगा रेड की पावर एन अपॉन वन माइनस रेड की पावर बोलो भाई जेड इज इक्वल टू क्या है जेड इज इक्वल टू क्या है भाई cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और जेड की पावर एन क्या आ जाएगा इधर की पावर एन कर दूंगा क्या आ जाएगा cos n थीटा प्लस i आयोटा sin थीटा आ जाएगा बोल लो भाई क्या आ जाएगा बोल लो अरे इसकी वैल्यू डिमोर सेम लगा के सीधी क्या आ जाएगी cos n थीटा प्लस आयोटा sin थीटा क्या जाएगी बोल लो cos n थीटा अच्छा इसे यू भी लिख सकूँ भाई थोड़ा सा वो जेड की पावर एन प्लस जेड की पावर माइनस एन इसे भी लिख सकूँ जेड की पावर एन माइनस जेड की पावर माइनस एन नहीं लिख सकता जेड की पावर एन की वैल्यू कितनी होगी देखियो ये क्या आ जाएगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन इसकी वैल्यू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन ये नहीं आएगी भाई सर माइनस माइनस कहाँ माइनस तो यहाँ लगेगी ना ऊपर यही कह रहे थे अच्छा मैं तो चलते नहीं कहाँ कह रहे हो यार की पावर एन की पावर माइनस है भाई यही तो आएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी नहीं इसकी वैल्यू cos n थीटा प्लस आयोटा आयोटा साइन एन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos n थीटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा साइन इसकी वैल्यू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इसकी वैल्यू माइनस cos n थीटा माइनस नहीं cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा देखो cos इधर से माइनस आई एन साइन थीटा से ये चला जाएगा चले जाएगा ऊपर क्या बचेगा ऊपर जीरो कहाँ बच कौन सारा कट जाएगा कोई बात नहीं यहाँ तक के तारो चाहे तारो यहाँ तक के तारो तारो जल्दी तारो ये सवाल लिख लो पहले z प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू टू cos थीटा प्रूव दैट z की पावर टू एन प्लस वन अपॉन z की पावर टू एन माइनस वन इज इक्वल टू टेन एन थीटा लिख लिया सवाल ये देखो भाई अब देखो ऐसे रोक दो चलो करते रहो देखो ये मैंने ये मिटो हो गया ये सवाल मिटो दो दिक्कत तो नहीं ये इसके नीचे ये भी लिख लो जरा सवाल ये वाली ये लाइन मिट जाएगी ये लिख दो जेड स्क्वायर प्लस वन आगे ना कहाँ से आई है बस ये देखो इनको अब देखो क्या है क्या बच गया मेरे पास देखो इससे काम चल जाएगा क्या बचेगा बोलो क्या बच गया cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस क्या बचेगा बोलो cos cos n थीटा cos ये गलत हो गया भैया पता क्या है इसे यहाँ माइनस आना चाहिए था यहाँ क्या आना चाहिए था अब इसे प्रूव करेंगे tan cot n थीटा प्रूव क्या करेंगे हम इसे cot के पहले अगर यहाँ माइनस प्लस आता है ना दल बदली तो आएगा tan n थीटा यहाँ माइनस कर दिए और यहाँ क्या कर देंगे अब यहाँ उल्टा कर दिया मैंने सवाल की तरफ हाँ बस वहाँ कर लोगे तुम समझ गए ना बात मैं क्या कहना चाह रहा है ये मैं तो मिसप्रिंट हो गया देखने में गलती हूँ देखो क्या आ गया तरीका है बिल्कुल यही है समझ नहीं का भाई कोई परेशानी तो नहीं इसमें वो तो हो जाने इतनी गलती तो इतनी गलती तो माफ हो जाने या उतनी नहीं क्या आएगा ये माइनस है देखो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन माइनस थीटा क्या आ जाएगा माइनस हाँ माइनस आ जाएगा माइनस आयोटा साइन एन थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा cos n थीटा cos n थीटा प्लस आयोटा
एक्स वाई होता साइन एन थीटा प्लस क्या आएगा बोलो, माइनस कोस एन थीटा माइनस कोस एन थीटा माइनस 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 प्लस आ जाएगा। तो एक तो माइनस यहाँ से आएगा, एक यूरा माइनस का माइनस माइनस क्या आएगा, आई नहीं का बात नहीं है, बोल लो यार तुम बोल के देखो, आई ओटा साइन एन आई बात नहीं। अब देखो भाई ये तो इसकी दावत कर देगा, इसे ये इसकी दावत के लिए बैठा तो यहाँ बैठा नहीं, ये तो बाहर माइनस था ना, यहाँ ये भी माइनस, ये इससे इसकी दावत कर देगा ऊपर, ऊपर क्या बच जाएगा cos n थीटा अपॉन क्या जाएगा ये आई आयोटा इट टू आयोटा साइन इस टू से, ये भाई साहब क्या बच गए cot n थीटा अपॉन आयोटा है, आई के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या बच जाएगा माइनस cot n थीटा आयोटा बच जाएगा, यही तो भाई होगा है। अब मैंने कहा भाई मोटू जैसे बताया था मैंने क्या लगाया था, वो गुरु खाता यूँ लगाया था, वो लगान था ये, मैंने कहा इसका मतलब क्या है, चाहे माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो हमेशा प्लस ही रहेगी वैल्यू, ये नहीं बताई तुमने मुझे एक दिन आयोटा जोड़ ली तीन आयोटा ही जुड़ जाएगा सामान करने, आयोटा कोई हल नहीं है, आयोटा तो पता लग गया वैल्यू रखे हैं पहले तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इस माइनस का तो इलाज कर देना ना, तो क्या आ गई वैल्यू आयोटा कोट एलो। अब आगे सुना टूटा अच्छा ये देखो आयोटा की वैल्यू किससे निकल सकती है, देखो भाई पता हूँ किससे निकल सकती है, ये हमने अब क्या पढ़ा है, ये मॉडुलस भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने मॉडुलस कितने गए हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल कितना है यहाँ जीरो है ही नहीं, भाई इमेजिनरी का स्क्वायर कर दूँ, जब इसका स्क्वायर कर दूँगा क्या आ जाएगा ये वैसे भाग जाएगा है नहीं बात नहीं, ये हटा सके हैं भाई अब तुम पढ़ जाते ना आयोटा कोट एन थीटा के लिख लिया भाई कोट एन थीटा चीज का है।
tan tan theta का तो एक ही बात है, कोट है, tan कर दिया हमने, कोट आएगा, कोट नहीं आ रहा, कोट फटा बोल, हैं? कोट हुआ, चलो मैं tan लिखता हूँ, मुझे याद रहेगा, चलो मैं बात करूँ, देखो भाई, अब है x cube बराबर one, x cube बराबर सबसे शुरू में बताया था मैंने कि इसके रूट करने थे, इसकी वैल्यू निकाल ली थी मैंने, x के तीन रूट होंगे, कौन कौन से वैल्यू निकली थी, माइनस क्या निकली थी, वन माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई ओट अपॉन टू, ये तो वैल्यू निकली थी भाई, या कुछ और निकली थी, हैं वन को ये तो थी ना याद है, वन को क्या लिख सकता हूँ, कोस जीरो प्लस आई ओटा जीरो, लिख सकूँ कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो वन प्लस जीरो वन नहीं होगा, तो दिक्कत है, इसे लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉइंट टू प्लस रूट थ्री अपॉइंट टू लिख सकूँ, इसे इसे इसका लिख सकता हूँ भाई, ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू माइनस वन अपॉइंट टू की वैल्यू कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस आई ओटा साइन टू पाई बाई थ्री लिख सकूँ भाई, कोस टू पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी हो भाई, बोल दो कितनी हो, कोस टू पाई बाई थ्री नहीं पता कितनी हो, अरे पाई बाई थ्री कितनी हो, ये हो ना पाई 180 बटे तीन नहीं होती का 60 नहीं होता, और टू पाई बाई थ्री कितना होगा 120 नहीं होना का भाई, और कोस 120 की वैल्यू कितनी हो, माइनस के एक उठा दो और कॉस 120 की वैसे साइन 120 के ले लो सीधे पॉइंट पे आई नहीं बात जी आ गई सर आ गई, इसे किस पे लिख सकता हूँ मैं, कॉस माइनस कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस आई ओटा साइन 4 पाई बाई 3 नहीं लिख सकता, ये 4 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना 180 साठ साठ चुप दो सौ चालीस, तो दो सौ चालीस की वैल्यू माइनस दोनों बाई टू, और साइन दो सौ चालीस की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू लिख सकूँ, अगर मुझे इसके ये कितने एक्स के कितने रूट निकले यहाँ में, अब भाई चार मुझे चार निकालने पड़ जाए, कितने निकालने पड़ जा, चार तो मैं लड़े लगा रहा था मैं बताने के लिए, अब चार निकाल लूँगा मैं रूट कितने निकाल लूँगा, कुछ भी नहीं है चार ही निकालने हैं बच्चों की तरह, देखो जिस तरह कराना तुम्हें बस ये निकालने सीधे ये रखिए, कॉस एक्स की पावर फोर होगा, यानी कि एक्स के चार रूट हैं, कौन कौन से जाएंगे, एक तो यही हो जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो, एक तो होना ही है अपना आप में रूट होता ही है भाई, अपना आपका फैक्ट है, ये क्या आ जाएगा, कॉस टू पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन टू पाई बाई फोर, आगे क्या आ जाएगा, कॉस बोल लो कॉस फोर पाई बाई प्लस आई ओटा साइन पाई बाई फोर, आगे कॉस सिक्स पाई बाई फोर प्लस आई ओटा साइन सिक्स पाई बाई फोर, नहीं बात नहीं, देखो तीन है तो नीचे तीन आ रहा, देखो तीन तीन, चार है तो चार 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 आ रहा, टू का मल्टीपल है ऊपर क्या है, देखो टू पाई फोर पाई, फिर अगर तीन है तो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई, इसमें एन की वैल्यू कहाँ तक रखी थी मैंने, एन की वैल्यू कहाँ तक रखी थी, जीरो वन टू, देखो जीरो रखा वन रखा कैम रखा कैम रखूँगा ये टू के पाई अपॉन एन, ये नहीं रखा एन क्या है, इसके थ्री है तो यहाँ थ्री रख दूंगा, यहाँ कितनी है के की वैल्यू, जीरो इसमें तीन वाले में एक कम हो जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी, इसमें इसके इसमें क्या आ जाएगी, जीरो जीरो वन टू एक कम जीरो दे जीरो वन टू और थ्री, जब भी तो यार देखो टू के पाई से देख जीरो से तो जीरो आ गया, ये वन से कौन सा आ गया, ये आ गया टू से ये आ गया थ्री से, और x की वैल्यू अगर फाइव है x की पावर फाइव की वैल्यू में क्या आ जाएंगे, पांच रूट कौन कौन से हो जाएंगे बोलना, एक तो ये हो जाएगा कॉस जीरो प्लस
आयोटा साइन जीरो आगे कोस टू पाई बाई पाई प्लस आयोटा साइन टू बाई बाई आगे फोर पाई बाई पाई प्लस आयोटा साइन फाइव पाई बाई पाई आगे कोस सिक्स पाई बाई पाई प्लस आयोटा साइन सिक्स पाई बाई आगे कोस एट पाई बाई पाई प्लस आयोटा साइन आई नहीं बात नहीं अब तो किसी को भी निकाल सकूँ मैं है नहीं अगर मान लीजिए एन के निकालने हो किसी निकालने हो भैया एन के निकालने तो क्या करेंगे कॉस टू के पाई बाई एन क्या आ जाएगा प्लस आयोटा साइन टू के पाई बाई अरे एन की वैल्यू कहाँ रहेगी कहाँ तक रहेगी एन की वैल्यू कहाँ तक रहेगी भाई एन माइनस वन के की वैल्यू कहाँ तक रहेगी एन माइनस वन तक रहेगी के की वैल्यू कहाँ तक रहेगी देख क्योंकि देख यहाँ जो है मैंने एन एन की वैल्यू कितनी थी तो वैल्यू दो तक रखी देख दो दूनी चार हैं यहाँ एन की वैल्यू कितनी है तो देख तीन रखी देख दो थी अच्छे यहाँ एन की वैल्यू कितनी थी तो पाँच चार रखी देख एन बराबर चार और जब एन होगी तो के की वैल्यू क्या रखूँगा एन माइनस एन माइनस वन है लिखो दे लिखो लिखो चार लिखो डायरेक्ट ने अपनी तरफ से लिखा है इसका जनरल फॉर्म होता है जैसे होता है ना जिस तरह मान लिया ये जैसे कोस टू पाई फोन इसे कोस टू पाई करते हैं साइन टू पाई ये टू का मल्टीपल होता है टू का मल्टीपल एंगल का मल्टीपल कर लो भाई इसको क्या कह रहे समझ नहीं आया ये समझ में आ गया ये हैं एक्स की पावर चार की वैल्यू ये होगी रट लो बस रटना ये देखो अगर कोई x की पावर n है क्या है x की पावर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बोल लो यहाँ से भाई क्या क्या वैल्यू बोल लो cos 2k पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n n है वही नीचे जो यहाँ अब देखो x की पावर यहाँ क्या रखूँगा तीन लग गया मान लिया तो k की वैल्यू कहाँ तक रखनी जीरो टू n माइनस वन जीरो टू तो अगर x की पावर थ्री माँ के n की वैल्यू कितनी है तो k की वैल्यू कहाँ रखूँगा जीरो टू n माइनस वन एन माइनस वन का मतलब टू क्यों रखी देख जीरो वन टू ये देखो एक तो जीरो रखूँगा इसमें जीरो रख के क्या आ गया इसमें ये रख के आ जाएगा ये वन रख के क्या आ गया टू रख के क्या आ गया ये इनका बाप है फार्मूला सब का अब तो समझ में आ गई अभी नहीं समझ अच्छा अगर अगर एन की वैल्यू फोर है तो के की वैल्यू कहाँ तक रखूँगा मैं जीरो जीरो रख के क्या आएगा इसमें ये वन रख के क्या आएगा टू रख के और थ्री रख के और अगर मैं x की पावर 4 5 है तो k की वैल्यू कहाँ तक रखूँगा मैं कहाँ जीरो से बैठे जीरो से कहेंगे जीरो जीरो का रख के क्या आ गया और ये वन ये रख के टू थ्री फोर आ गया सुनिए भाई अब तो आगे सुनिए क्या चीज़ है महाभारत की है उतार लो चलो ये है मेन फॉर्म है अरे एक तो तुआर रख लेते कम नहीं कहाँ से आया कभी सोच जाओ एक तो तुआर ही लो क्या कह रहे ओहो बता नहीं